हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करते हैं राजस्थान का राजनीतिक एकीकरण। तो राजस्थान का राजनीतिक एकीकरण 8 वर्ष 7 महीने और 15 दिन में पूरा हुआ था। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने निमराणा, कुशलगढ़ और लावा, और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। उसे याद करने के लिए हम इसे 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला पार्ट है 1948। 1948 में 3 तारीखें अपन को याद रखनी है, 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल। तो 18 मार्च को पहला चरण मत्स्य संघ का निर्माण। इसके लिए 4 रियासतें ए बी सी डी से याद रखो, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। 25 मार्च को द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान का निर्माण। द्वितीय चरण में 9 रियासतों को मिलकर पूर्व राजस्थान का निर्माण किया गया था। 9 रियासतों को याद रखने की ट्रिक है, बाबू की को झाड़ू पुरासाटो, ठीक है। बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, की को की से किशनगढ़, को से कोटा, झालू झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, प्रसाटो, प्र से प्रतापगढ़, शाह से शाहपुरा भिलवाड़ा और टो से टोंक। ये कुल 9 रियासतें थी। तृतीय चरण 18 अप्रैल को हुआ। इसमें क्या किया गया कि 9 रियासतों में उदयपुर या मेवाड़ को मिलाया गया। इसके बाद दूसरा पार्ट देखेंगे अपने 1949 में। तो इसमें 2 तारीख याद रखनी है, 30 मार्च और 15 मई। 30 मार्च को बृहत राजस्थान का निर्माण किया गया था। इसमें क्या किया गया था, तृतीय चरण के राजस्थान में संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इनको जोड़ा गया था। इसलिए इसे राजस्थान दिवस के नाम रूप में जानते हैं। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है 5वां चरण, 15 मई को संयुक्त बृहत राजस्थान का निर्माण। इसमें क्या किया गया था कि चतुर्थ चरण के बृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया था। यह किया गया था शंकर देव समिति की सिफारिश पर। तो याद रखना, ये भी पूछ लेते हैं कभी कि किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय किया गया था या कौन से चरण में किया गया था, तो 5वें चरण में किया गया था, ठीक है। अब 6ठा चरण है 1950, 26 जनवरी 1950, राजस्थान संघ का निर्माण। इसमें क्या किया गया था कि संयुक्त बृहत राजस्थान में सिरोही, जो अकेली रियासत बची थी, उसे भी मिला लिया गया था। और आखिरी 7वां चरण 1 नवंबर 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू करके कोटा का सिरोन क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया गया था और मध्य प्रदेश का भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा राजस्थान में मिला लिया गया था। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा को और आबू तहसील को भी राजस्थान में मिला लिया गया था। इस तरह 7 चरणों में 8 वर्ष 7 माह और 15 दिन में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। अब इसमें प्रमुख चीजें क्या पूछी जाती है कि राज प्रमुख कौन से चरण में कौन सा राज प्रमुख था, या कौन से चरण का उद्घाटन करता कौन था, या प्रधानमंत्री कौन था, तो उनके लिए मैं ट्रिक्स बताता हूँ। सबसे पहले राज प्रमुख। राज प्रमुख के लिए ट्रिक है भूप मानसिंह या उदय भीम भूपाल और मानसिंह। यानी प्रथम चरण मत्स्य संघ में उदय भान सिंह धौलपुर को राजप्रमुख थे। दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान में कोटा के भीम सिंह राजप्रमुख थे। तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान में उदयपुर को मिलाया गया था, इसलिए उदयपुर के महाराज भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया था। और चतुर्थ चरण बृहत राजस्थान में जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह को राजप्रमुख नियुक्त किया गया था। बस चौथे चरण तक ही पूछते हैं ज़्यादातर। अब उद्घाटन करता याद रखने के लिए क्या करते हैं,
ट्रिक है गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल। प्रथम चरण के उद्घाटनकर्ता गोडगिल, द्वितीय चरण के गोडगिल, तृतीय चरण के चाचा नेहरू और चतुर्थ चरण के सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको याद होना चाहिए कि प्रथम चरण क्या है, मत्स्य संघ, द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान, तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान, चतुर्थ चरण बृहद राजस्थान। ठीक है। इसके बाद क्या तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, प्रधानमंत्री कौन से चरण में कौन से प्रधानमंत्री थे। उसके लिए ट्रिक है शोभा गोकुल की माणिक हीरा, यानी गोकुल की शोभा गोकुल की माणी और हीरा। प्रथम चरण में शोभा राम कुमावत मत्स्य संघ, द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान में गोकुल लाल असावा प्रधानमंत्री, तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान में माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री, चतुर्थ चरण बृहत राजस्थान में हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री। यहाँ तक का ही पूछा जाता है बस। ठीक है, तो राजस्थान का एकीकरण संपूर्ण हो गया है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर और नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे जल्दी से दबा दीजिए।